श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी की जय जयकार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, श्री हनुमान जी आप हम पर गुरुदेव की तरह कृपा करें। और गुरुदेव का काम है भगवान से मिला देना। प्रश्न यह है, क्या हम भगवान से अलग हो गए हैं? अगर अलग हो गए हों तो कोई मिला दे। रूठा होए तो फिर मिले, बिछुड़ा होए तो फिर मिले, और रूठा ले मनाए और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। हमारी बड़ी विलक्षण स्थिति है, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं। ये कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। नौ व्यक्ति गांव के रहने वाले कपड़े का व्यापार करते थे, नौ इकट्ठे होकर गए, नदी पार करनी थी, का एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कोई बह ना जाए, हाथ पकड़ लिया, नदी पार कर गए, कहा कि अब संभाल लो, नौ के नौ हैं कि नहीं, कोई बहा तो नहीं। तो उन्होंने गिनना शुरू किया, जो भी गिने वो अपने को न गिने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ करके रह जाए, फिर दूसरा गिने वो भी आठ ही गिने, अपने को न गिने। अब तो सबने रोना शुरू किया, बह गया बह गया, एक बह गया एक बह गया। तब तक एक महात्मा निकले, क्यों रो रहे हो, हम लोग नौ आए थे एक बह गया। अब महात्मा ने देखा ये तो नौ के नौ खड़े हैं। महात्मा बोले नहीं, नौवां यही है, बाहर नहीं है। तो कैसे फैसला हो, महात्मा बोले गिनो। तो उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, एक। महात्मा बोले ठीक, दो तीन चार पाँच छ सात आठ पे आके फिर रोने लगा। महात्मा ने वही हाथ जो आठ पे रखा था ऐसे मोड़ा कि ये आठ और ये नौ। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया महाराज, आपकी कृपा से मिल गया, आपकी कृपा से। तो वो लोग गया कहाँ था जो मिल गया। हम लोग सोचते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, पर ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान से यह पता लगता है कि हम मुक्त हैं, मुक्त तो हैं ही, पर बिना ज्ञान के अनुभव नहीं होता। एक आदमी के पास कुछ गधे थे, उसने सभी गधों को बांधा जैसे रोज बांधता था। एक गधे की गले की रस्सी खो गई, उस गधे का कान पकड़े बैठा था। एक महात्मा निकले, भगत जी कैसे बैठे हो, कहा कि महाराज इस गधे के गले की रस्सी खो गई है, इसीलिए इसको कान पकड़े बैठा हूँ मैं, इसका कान पकड़े बैठा। महात्मा बोले गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत। महाराज फिर इसे बांधे कैसे, बोले ऐसे ही बांध दो बिना रस्सी के। महात्मा तो चले गए, उसने वैसे ही किया, रस्सी थी नहीं, पर खूंटे से ऐसे लपेटा दिया, ऐसे खींचा, फिर उसके गले में लपेट कर ऐसे बांध दिया, और गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी ना समझे, उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी, और गधे तो हिले वो हिला ही नहीं, रात भर वहीं वहीं। सवेरे उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उस गधे को वो डंडा मारे, डंडा मारने से गधा वहीं हिले चले नहीं। वो बड़ा परेशान महात्मा जी के पास गया, महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने, वो गधा बंधा है।
महात्मा हंसे, कोई चमत्कार नहीं, गधों के लिए तो हर बात चमत्कार हो जाती है। उसे खोला था कि नहीं? कहा उसे बांधा ही कब था? कहा जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। वो गया, उसने खोल दिया और गधे ने समझ लिया कि हम मुक्त हो गए, चल दिया। अब आप ये बताओ बंधा ही कब था? पर बंधने का जैसे भ्रम था उसके मन में, उस भ्रम की निवृत्ति गुरुदेव का ज्ञान कर देता है। वह तो मुक्त था ही, मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है।